तो आइए एक्सरसाइज नंबर 12 देखते हैं। हरी सेट टू मोहन, हरी ने मोहन से कहा हाउ डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, आपने प्रश्न को कैसे हल किया। तो हरी सेट टू का आस्ड कर दीजिए, आस्ड मोहन हाउ। अब देखिए सेकंड टाइप है तो वही कंजक्शन का भी काम करता है, अलग से कंजक्शन नहीं लगाया जाता है, दैट भी नहीं लगता, ये सब पता है। हरी आस्ड मोहन, हाउ का हाउ ही रहेगा, हाउ फिर डिड यू, यही सब सब्जेक्ट जो वर्ब के बाद रहता है, डब्ल्यू एस के बाद हेल्पिंग वर्ब पर तब सब्जेक्ट आता है, लेकिन कंजक्शन जब बना दोगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा तब हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो इसलिए हाउ यू को मोहन के अनुसार ही हो जाएगा, डिड का हैड हो जाएगा, इधर करके हैड करके लिखेंगे, ठीक, पास्ट परफेक्ट बदलेंगे और साल्व में डी जोड़ देंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा साल्व। तो हाउ ही हैड साल्व द क्वेश्चन। दूसरा है दे सेट टू यू, तो सेट टू को आस्ड कर दिया, आस्ड यू, उसके बाद वेयर का वेयर ही रहे, कंजक्शन हो जाएगा। उसके बाद यू को आप बदलोगे यू के अनुसार तो घूम के यू ही आएगा, और बिल का फिर पास्ट टेंस बदल दोगे तो वुड हो जाएगा, वेयर ही वुड गो टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। अगला है वेयर डू यू लिव, सी सेट टू द पुलिस मैन, सेट द पुलिस मैन टू मी, सॉरी सेट द पुलिस मैन टू मी, यानी पुलिस मैन ने मुझसे कहा, सिपाही ने मुझसे कहा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो हम सबसे पहले लिखेंगे द पुलिस मैन, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट पुलिस मैन है, उसके बाद हम लिखेंगे सेट टू का आस्ड कर देंगे, आस्ड मी का मी ही रहेगा, आस्ड मी, पुलिस मैन ने मुझसे पूछा, फिर उसके बाद वेयर लगाएंगे। डू यू लिव को हम आई लिव्ड में बदल देंगे, डू हट ही जाएगा क्योंकि डू के साथ डैश के साथ नॉट नहीं रहता, हट जाता। सब्जेक्ट यू को हम मी के अनुसार आई कर देंगे, लिव का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट बदल देंगे तो डिड हो जाएगा, सॉरी लिव्ड हो जाएगा, वेयर आई लिव्ड, हम दूसरे से ही कहेंगे पुलिस मैन ने, सिपाही ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता था, कि कहाँ का जी वेयर हो गया, आई लिव्ड में रहता था। अगला है आई सेड टू द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो आई आस्क्ड द गर्ल व्हाट, उसके बाद योर का हो जाएगा लड़की के अनुसार हर, नेम इज का क्या हो जाएगा वाज, सब्जेक्ट हर नेम, ठीक है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वाज बाद में, व्हाट हर नेम वाज, कि उसका नाम क्या था। ध्यान देना प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगता है और प्रश्नवाचक का निशान हट जाता है, ठीक। अगला है द मैनेजर सेट टू द स्ट्रेंजर, सेट टू का आस्ड कर दीजिए, आस्ड द स्ट्रेंजर हो जाएगा। उसके बाद जो है हु आर यू, तो आर तो पहले लिखा नहीं जाएगा, सब्जेक्ट यू को लिखा जाएगा, स्ट्रेंजर के अनुसार यू का ही हो जाएगा, आर का वाज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस बदलोगे तो वेयर ही हु, सॉरी हु ही वाज, कि वह कौन था, एंड वाट, फिर डू यू हटा के ही कर देंगे, वांट के वांटेड कर, वाट ही वांटेड, डू यू वांट का पास्ट इंडेफिनिट बदलोगे तो यू वांट अफर्मेटिव होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में ही वांटेड, डू हट ही जाएगा, जब डू के साथ नॉट नहीं रहता तो इनडायरेक्ट में हट जाता है, वो पॉजिटिव इंडिफिनिट बनाया जाता है अफर्मेटिव में, क्लियर। छठवां है आई सेड टू देम हुज कार इज दिस, आई सेड टू का आई आस्क्ड देम कर दीजिए, हुज का हुज ही रहेगा, हुज कार का ये पूरा प्रश्नवाचक शब्द है, हुज कार ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ही सहायक क्रिया क्योंकि आई है तो वो उतना प्रश्नवाचक का काम कर रही है, प्रश्नवाचक एडजेक्टिव है तो अपने साथ नाउन लेगी ही लेगी, ठीक है ना। हुज कार, उसके बाद दिस का हम दैट कर देंगे, पहले दैट लिखेंगे तब इज का वाज बाद में लिखेंगे, हुज कार दैट वाज, कि किसकी कार वह थी, ऐसे कहेंगे, ठीक, वह थी कहेंगे दैट वाज। अगला द टीचर सेड हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, द टीचर सेड का आस्ड कर देंगे, सेड के बाद चाहे मी रहे चाहे न रहे, सेड टू मी आस्ड किया जाता हमेशा, द टीचर आस्क्ड, उसके बाद कंजक्शन हु लगा दीजिए, फिर उसके बाद हु के बाद हैज का हैड कर दीजिए, हु हैड ब्रोकन दिस का दैट चेयर। ध्यान देना हु वाले वाक्य में अलग से सब्जेक्ट नहीं रहता है, तो ये इसके चक्कर मत पड़िए कि हु के बाद कोई सब्जेक्ट लिखें, ठीक है, हु ही सब्जेक्ट भी है, यहाँ कंजक्शन भी है, प्रश्नवाचक तो था ही डायरेक्ट में, क्लियर। तो हु के सब्जेक्ट का भी काम कर रहा तो तुरंत उसके बाद पास्ट परफेक्ट में हैड कर देंगे हम, ब्रोकन दैट चेयर कर देंगे। हु के तुरंत बाद वर्ब आता है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, और नहीं मतलब एक्टिव में यानी कि टेंस में डायरेक्ट स्पीच में हु के बाद वर्ब आएगा, तो इनडायरेक्ट में भी हु के बाद वर्ब आएगा, ये जानो, क्लियर। अगला है द डॉक्टर सेड टू देम, डॉक्टर ने उनसे कहा, सेड टू का आस्ड कर दीजिए, वाई का वाई रहेगा, यू यू को देम के अनुसार जब बदलोगे सब्जेक्ट तो दे हो जाएगा, वाई दे, आर का पास्ट परफेक्ट बदलेंगे वर, वाई दे वर या वेयर, कुछ लोग वेयर भी पढ़ते हैं, शुद्ध वर ही है, वाई दे वर डिस्टर्बिंग द पेशेंट।
अगला है वाई कुड यू नॉट फिनिश द वर्क माई सन, सेड द फार्मर फादर। पिता ने कहा तुम क्यों अपना काम पूरा नहीं किए मेरे लड़के, मेरे पुत्र तुम अपना काम क्यों नहीं किए, मेरे बेटे तुम अपना काम क्यों नहीं किए पूरा। तो हम जान रहे हैं कहने वाले फादर है, तो फादर रिपोर्टिंग वर्ब का क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे, इसको पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद सुनने वाले उनके बेटे हैं तो उनको ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो आस्क्ड कर देंगे सेट को। आस्क्ड माई का फादर के अनुसार हर हो जाएगा, हर सन मतलब भाई कहा है, पिता ने कहा मेरे बेटे, तो हम दूसरे से कहेंगे पिता ने अपने बेटे को कहा। फादर आस्क्ड हर सन, सॉरी हर नहीं हिज रहेगा, सॉरी तो हर फादर है, मदर होती तब हर होता, ठीक ना। फादर आस्क्ड हिज सन, पिता ने अपने पुत्र से कहा, तो कहने का मतलब यहाँ पूछा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूछ रहे हैं इसलिए आसमान ने पूछा इनडायरेक्ट में आस्क्ड। फादर आस्क्ड हर सन हिज सन व्हाई कुड यू का आप बदल दोगे यू किसके लिए, सन के लिए लगा है, ही हो जाएगा, कैन का कुड ही हो जाएगा। व्हाई ही कुड नॉट फिनिश द वर्क, बस माई सन हट ही जाएगा कि पहले ही आप रिपोर्टिंग वर्क आप बना दिए, हो जाएगा द फादर आस्क्ड हिज सन व्हाई ही कुड नॉट फिनिश द वर्क, पिता ने अपने पुत्र से पूछा कि वह अपना काम क्यों नहीं पूरा किया था। अगला संजू सेट टू देम, तो संजू टोल्ड आस्क देम हो जाएगा, सॉरी आस्क देम आस्क्ड हिम है, आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड, तो हाउ ओल्ड आपका पूरा प्रश्नवाचक शब्द बनेगा क्योंकि हाउ के साथ ओल्ड लगा है, ठीक है, प्रश्नवाचक में तो कंजक्शन में भी वही रहता है। हाउ ओल्ड, उसके बाद फिर योर सिस्टर का जो है हिम के अनुसार हो जाएगा हिज सिस्टर, इज का इधर सिस्टर के बाद आ जाएगा वाज। तो संजू ने आज डिम उससे पूछा हाउ ओल्ड की कितनी उम्र की हिज सिस्टर वाज, उनकी बहन थी, ऐसे कहा जाएगा, वाज बाद में हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि उसके बाद सब्जेक्ट है योर सिस्टर, कौन थी तुम्हारी बहन, वो सब्जेक्ट है। तो चलिए फिर एक एक्सरसाइज नंबर 12 थी, इसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 13 बताया जाएगा।